वेलकम बैक डियर पेरेंट्स इन आवर चैनल स्टडी मंत्रास विद आदित्य। डियर पेरेंट्स, इंटरनल सिक्योरिटी के सीरीज में इस समय हम नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके बारे में सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को कंप्लीट कर लिया है, नागालैंड से हमने इसकी शुरुआत की थी। आज हम नॉर्थ ईस्ट का जो सबसे आखिरी राज्य है जिसका नाम आसाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की समस्या इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में आसाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है और उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोगों में से बहुत से लोगों को जानकारी ऑलरेडी होगी, क्योंकि ये सारे ही मुद्दे लगभग करंट रहे हैं। तो उन मुद्दों पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, हालांकि उनको भी हम लेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारा जो पिछले अभी तक जो समस्याएं थी उन समस्याओं से जोड़ते हुए आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और आगे क्या भविष्य में राय हो सकती है, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम बात इस पर करेंगे। थोड़ा सा आसाम वाला जो क्षेत्र है बड़ा है तो इसे हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक कॉमन एक जनरल तरीके से इसको हम जो भी समस्याओं को देखेंगे, उनके कारण को देखेंगे और उनके समाधान को हम डिस्कस करते हुए ये वाला अपना सेक्शन कम्प्लीट कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं आसाम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागालैंड जो हमने पहले डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, और देखा जाएगा तो नागालैंड एक सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है और उसके बाद जो नंबर आता है वो आसाम का आता है। आजकल आप देखते हैं कि जब बारिश का मौसम आता है, मानसून आता है, तो आसाम में अक्सर बाढ़ की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो वह भी एक प्रकार से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत आता है, और आपको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना है तो इन चीज़ों पर भी आप नज़र बनाए रखें, और इससे भी कुछ चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी से हमारी जुड़ जाती हैं। तो देखिए, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो हम देखते हैं जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय भारत को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग पाकिस्तान कहलाता है और दूसरा भाग भारत कहलाता है। पाकिस्तान का जो क्षेत्र होता है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा जो आज हम देखते हैं उसे हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं उस वक्त, और दूसरा हिस्सा जो आज हम बांग्लादेश के रूप में देखते हैं उसे हम उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं पाकिस्तान जो पश्चिम पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं यानी कि जो वहाँ के शासक हैं वो पूर्वी पाकिस्तान से सिर्फ वहाँ की रिसोर्सेज को लेते हैं बल्कि रिसोर्स को लेते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो ढेर सारे ऐसे आपराधिक गतिविधियाँ करते हैं जिससे वहाँ की जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगती है और कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर देता है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि अब वहाँ पर एक आर्मी खड़ी हो जाती है लोगों की जो पाकिस्तानी सोल्जर से लड़ने के लिए तैयार होती है। भारत भी इस मामले में लगातार अपना ध्यान बनाए रखता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेप्स लिए हैं अपने जीवन काल में, इसके लिए वो लगातार चर्चित भी रही हैं। तो स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी होती है वो लगातार लोगों के ऊपर ढेर सारी यातनाएँ करने लगती है, तो लोग फिर भारत की तरफ, क्योंकि सबसे नज़दीक भारत ही देश है, तीन तरफ से बांग्लादेश भारत से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है जो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये लोग भारत में आना स्टार्ट करते हैं। अब इससे भारत पर भी दबाव बनता है तो फिर भारत को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है और पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग का ऐलान करना पड़ता है। तो उस समय जो स्थिति बनती है तो वहाँ पर आप देखेंगे जो बांग्लादेश जो कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वहाँ से कुछ लोग पलायन करके भारत के विभिन्न राज्यों में, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, बंगाल के क्षेत्र हैं, इनमें आते हैं और बस जाते हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ वहीं तक नहीं रहती है। 1971 का जो वार होता है उससे पहले भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि उससे पहले भी लोगों का माइग्रेशन हुआ है उन क्षेत्रों से लेकर के और भारत के क्षेत्रों में वो आए हैं। उसके बाद भी माइग्रेशन होते रहते हैं, वार होने के बाद भी माइग्रेशन होते रहते हैं, इवन आज भी माइग्रेशन होते हैं, बट बस फ़र्क इतना है कि आज उनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये पहले हुआ करते थे। तो जब ऐसी स्थिति आती है, देखिए फर्ज करें कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, मान लीजिए आपकी ये कॉलोनी है और यहाँ पे आप टोटल 10 लोग रह रहे हैं, ओके, और 10 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन, पर्याप्त संसाधन यहाँ पर मौजूद है, पर्याप्त रोज़गार इत्यादि की सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो 10 लोगों के लिए पर्याप्त है, एक दो लोग के लिए ज़्यादा भी उपलब्ध है। होता यह है कि कुछ बाहर के लोग इस कॉलोनी में धीरे धीरे आने लगते हैं और वो आपके जो संसाधन है उसको आपसे बांटने लगते हैं।
तो आप एक दो लोगों तक सहन करते हैं, चलिए ठीक है, दो चार लोग अभी और रह सकते हैं, मानवता बस इतना तो हमें करना ही चाहिए। लेकिन फिर आप देखते हैं कि आप कुल पहले 10 लोग थे, अब बाहर से 50 लोग आ गए। अब आपको ये लगेगा कि यार इससे पहले तो हम सही से रह रहे थे, हमारे पास सारी चीज़ें थी, सारे रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि हम अपनी इस जगह पे जहाँ पे हम सदी कितने वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ पे ही हमको रहने में गुजर बसर करने में समस्याएँ हो रही हैं। हमें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमें हमारी जो ज़मीन है कहीं ना कहीं वो भी छोटी होती जा रही है, लोग इसे बढ़ते जा रहे हैं, गंदगी बढ़ती जा रही है, प्रशासन जो एक सामान्य सुलभ एक अच्छा प्रशासन हुआ करता था, आसान प्रशासन हुआ करता था, अब लोगों के बढ़ जाने की वजह से उसमें भी समस्याएं आ रही हैं। तो आप देखेंगे ढेर सारी समस्याएं जो कि पहले 10 लोगों की वजह से समस्याएं उतनी नहीं थी, अब जब ये 60 लोग हो जाते हैं तो समस्याएं बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो यही कुछ ऐसी ही स्थिति कुछ आसाम के लोगों की होती है जो वहाँ पे पहले से मूल रूप से रहा करते थे, क्योंकि जब बाहर से माइग्रेट जितने माइग्रेटर्स होते हैं जब वो आने लगते हैं तो फिर इनका इनके क्षेत्र में जो भी संसाधन इत्यादि रहते हैं उन पर दबाव बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे इनके मन में असंतोष की भावना जो प्रवासी आते हैं उनके प्रति बढ़ने लगती है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो ये आसाम के जो मूल निवासी हैं वो धीरे धीरे बगावत पर उतर आते हैं। बगावत इन द सेंस कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं, वे चाहते हैं, वे कहते हैं कि हमें कम से कम वह तो मिलना चाहिए जिसके लिए हम इस देश के नाग जिस या कह सकते हैं कि जो जिस पर हमारा अधिकार है, जिसके लिए हम पहले से यहाँ पर हैं और जिसको हमने बनाया है उतने अच्छे तरीके से उसको संजोया है, ये सब चीज़ें वो कहते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये इन सब चीज़ों को आधार बनाते हुए लगातार वो अपना विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष विरोध करेगा, दूसरा पक्ष जो है वो कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा पक्ष भी तो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं जब दूसरा पक्ष भी इस पर बोलेगा तो फिर झड़पें होनी शुरू हो जाएंगी, ढेर सारी झड़पें होंगी, उसमें कुछ हिंसक भी होंगी, कुछ अहिंसक भी होंगी, तो ये समस्या हमें देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है, 1979 से असम के लोग यह मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश से असम में आए गैर कानूनी प्रवासियों को पहचान करके उन्हें वापस उनके देश बांग्लादेश भेज दिया जाए। अखिल असम जो मतलब पूरे असम क्षेत्र की बात करता है, अखिल असम विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में यह आंदोलन अहिंसा, सत्याग्रह, बहिष्कार तथा गिरफ्तारी देने वाला रहा है। यानी कि गांधीयन जो प्रिंसिपल होता है जिसमें कि हिंसा की बात नहीं करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं और गिरफ्तारी देने की बात करते हैं, इन मुद्दों इन तरीकों से इन्होंने अपने आंदोलन को शुरू किया। और वो ये मांग करने लगे कि जो भी व्यक्ति 1979 से माइग्रेटरी के तौर पे बांग्लादेश से आए हैं उनको क्या किया जाए, उनका पहचान किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो एक संगठन काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव रहता है उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में आसू है। आसू का मतलब होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। होता यह है कि जब लगातार इनकी मांग उठती है और ये कहते हैं कि इनको बाहर भी जो जिस देश से आए हैं बांग्लादेश से आए उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाए, तो इसके लिए फिर क्या होता है कि जो सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है और जो आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच में एक समझौता होता है। तो आसू और केंद्र सरकार के बीच में 15 अगस्त 1985 को एक समझौता होता है जिसमें कुछ बातें कही जाती हैं। पहली बात, वे लोग जिन्होंने गैर कानूनी रूप से जनवरी 1966 तथा मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश किया था को 10 वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया गया और जिन्होंने 1971 के बाद प्रवेश किया उन्हें वापस भेजा जाना निश्चित हुआ। मतलब मोटे तौर पर बात यह हुई कि जब हालात पूर्वी पाकिस्तान में बिगड़ने लगे उस दौरान से लेकर के युद्ध तक जो लोग भारत में आए हैं बांग्लादेश से उनको 10 वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित रखा गया और जो लोग युद्ध खत्म होने के बाद भारत में प्रवेश किए हैं उनको देश से बाहर बांग्लादेश में वापस भेजा जाना तय हुआ। तो ये बातें इस समझौते में निकल कर सामने आती हैं जो कि 1985 में होता है। अब देखिए इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं क्योंकि इतना आसान तो है नहीं सबको पहचानना, फिर उनको उनके देश भेजना और मताधिकार से वंचित करना, तो ये सब चीज़ें एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसके लिए फिर क्या होता है, एक्चुअली हुआ क्या था कि
अगर हम बात करें 1951 की बात करते हैं, 1951 में जो है एनआरसी की शुरुआत होती है पहले, जो असम के नागरिक हैं उनके लिए। और इसमें होता यह है एनआरसी में कि जो लोग असम में रहते हैं उन नागरिकों की गिनती की जाती है, उनके घर बार की गिनती की जाती है, उनके पास कितनी ज़मीन है इत्यादि के बारे में एनआरसी में बताया जाता है, जो कि 1951 में पहली बार बनाई जाती है, जिसे हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब एनआरसी जो है राज्य के सभी नागरिकों के सरकारी दस्तावेज हैं, जिसमें उनके घर बार इत्यादि का ब्यौरा दिया जाता है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कितना उनके पास लैंड इत्यादि होल्डिंग्स है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी इसमें दी जाती है। अब 1985 में जो समझौता होता है उसके आधार पर तो एनआरसी के लिए 1971 को आधार वर्ष बनाने पर विचार किया गया कि क्या 1971 के पहले वालों को रहने दिया जाए और 1971 के बाद वालों को वापस भेज दिया जाए, इस पर विचार चलता है। हालांकि फिर देखते हैं आप, एनआरसी बनती है, एनआरसी को अपडेट किया जाता है और इसका अंतिम प्रारूप जारी होता है, जिसमें कि लगभग 3.29 करोड़ लोगों की जांच की जाती है कि वो उनके नागरिकता इत्यादि के बारे में जांच की जाती है कि वो कहाँ से हैं और इस वक्त असम में वो क्या एक भारतीय नागरिक के तौर पर रह रहे हैं या एक प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं या फिर इलीगल माइग्रेंट के तौर पर रह रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो पहली दफ़ा तो 40 लाख लोगों के नाम जो है सूची में नहीं आते हैं, यानी कि 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर रहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि 40 लाख लोग इलीगल माइग्रेंट हैं। लेकिन फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, फिर दूसरी बार फिर जब दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें सिर्फ 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर रहते हैं। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 19 लाख लोग एनआरसी में जगह पाने में असफल रहते हैं। अब देखा जाए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर ये जो 19 लाख है इनका क्या होगा। तो हम कहते हैं कि तुरंत बात अगर करें तो सबसे पहले तो इन 19 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि ये लोग वोटिंग नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बांग्लादेश इनको वापस भेजते हैं तो बांग्लादेश भी तो जनसंख्या के मामले में काफ़ी ज़्यादा है, और प्लस बांग्लादेश ये कहता है कि ये लोग हमारे नागरिक नहीं हैं। और जब ऐसा कोई देश स्टेटमेंट देता है तो फिर आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं, खासकर जब आपका वो पड़ोसी देश हो और आपके दुश्मन देश के साथ नज़दीकियाँ उसकी बढ़ रही हों, तो आप इस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर भारत बांग्लादेश को ज़्यादा दबाव में रखेगा तो उससे संबंध हमारे जो है, जो कि पहले ही नाजुक हैं, ये ख़राब हो सकते हैं, और इससे देश में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष भी पैदा होगा। क्योंकि आप देखा जाए कहीं तो एनआरसी में कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से कुछ इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं आ सकती हैं। जो लोग बाहर हैं वो लोग उग्रवादी समूहों को ज्वाइन कर सकते हैं, वो लोग उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं भविष्य में होते हुए, और इसलिए हमें ज़रूरी है कि एनआरसी के लागू करने के दौरान हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, और जो 19 लाख लोग इससे बाहर हैं उनको खास करके मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उनका, कि उन किस प्रकार की गतिविधियों में वो शामिल हैं, या फिर प्रयास ये करने चाहिए कि कैसे भी उनको करके सेटल किया जाए, चाहे वो बांग्लादेश से बातचीत करके हो या फिर अपने देश में ही किया जाए। तो इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा, ये तो सरकार के हाथ में, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अब बात करते हैं उल्फा की। उल्फा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। देखिए उल्फा जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, और देखा जाए तो 1979 में इसकी स्थापना होती है। दो लक्ष्य इसके हैं मुख्य रूप से। पहला, असम की स्वतंत्रता। ये चाहता है कि असम जो है वो भारत से अलग होकर एक अन्य देश बन जाए। और दूसरा, एक सामाजिक सरकार की स्थापना करना चाहता है, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट स्थापित करना चाहता है। अब इसके जो स्वतंत्रता वाला जो इसका लक्ष्य है कि असम को हम भारत से अलग करके स्वतंत्र कर देंगे, यह लक्ष्य जो है कहीं ना कहीं इंडिया को चैलेंज करता है, इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है और इंडिया की अखंडता को कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो इस वजह से जो है इसे 1986 में भारत सरकार क्या करती है, प्रतिबंधित कर देती है। बात करें अगर हम उल्फा के बारे में कुछ और बातें करें, तो जो भारतीय सेना है ये भूटान की सेना के साथ मिल करके लगभग 1000 से ज़्यादा उल्फा उग्रवादियों को मार गिराया। कईयों को भारत को सौंप दिया गया, यानी कि ये भूटान में थे और भूटान में ये संयुक्त ऑपरेशन, और फिर कुछ भूटानी आर्मी ने इस पर काम किया और उनको जो है कुछ लोगों को मारा और बाकी लोगों को जो मिल गए बच गए उनको भारत को सौंप दिया। इसके बावजूद उल्फा जो है इन क्षेत्रों में सक्रिय, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। 2004 में अगर देखें तो असम में एक पब्लिक स्कूल पर हमला करते हैं जिसमें 19 बच्चे, 5 नागरिक मारे जाते हैं, तो ये भी उल्फा ही इसकी जिम्मेदारी लेता है। 2011 में BSF का जो गश्ती दल होता है, पेट्रोलिंग जो यूनिट होती है, उस पर हमला करते हैं और 8 जवान को ये शहीद कर देते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ भी उल्फा के द्वारा भी अंजाम दी जाती रही। एक और
पॉइंट समझ लेते हैं हम जो कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है कि ये लोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद कुछ और चीज़ें रह जाएंगे उसको हम देख लेंगे। हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है स्टडी मंत्रास विद्यादित्य ग्रुप। उसमें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके फीडबैक आपको मिल सकते हैं। बात करें अगर हम कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो यह एक उग्रवादी संगठन है और इसका उद्देश्य जो है कामतापुर को भारत से अलग कर उसे राष्ट्र घोषित करना है। देखिए कामतापुर क्या है, एक्चुअली कामतापुर जो है ना पश्चिम बंगाल के 6 जिलों और इससे सटता हुआ जो असम का 4 जिला है ना उसको मिला करके बनाया जाना है। मतलब ये ऐसा सोच है उनकी कि कामतापुर एक देश बनेगा जो 6 जिले पश्चिम बंगाल के लेकर के और 4 जिले आसाम के लेकर के बनाया जाएगा। यद्यपि कामतापुर और कामतापुरियों की कला, संस्कृति, इतिहास और साहित्य को सहेजने का थोड़ा बहुत प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं, हमें एक अलग देश ही बना दिया जाए और हम फिर उसके बाद अपने हिसाब से राज करेंगे। यही सब उनकी एक आकांक्षा है, हालांकि ये कभी पूरी होंगी नहीं क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की अखंडता को क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आएगी तो भारत सरकार इस पर कठिन से कठिन एक्शन लेगी। तो डियर फ्रेंड, ये हमने असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, अभी कुछ बातें और रह गई हैं जिसे हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।